नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। गाजियाबाद प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव ब्रजेश कुमार ओझा की फॉर्चुनर गाजियाबाद थाना लिंक रोड होटल पार्क से सुबह लगभग 7 बजे उस समय गायब हो गई जब उन्होंने उसे दिल्ली जाते समय होटल पार्क के प्रांगण में खड़ा किया था। घटना की सूचना श्री ओझा ने पुलिस को लिखित में दी। पुलिस अभियोग दर्ज कर जांच में जुट गई है, लेकिन पीड़ित ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस ने घटना को गंभीरता से नहीं लिया है। वहीं अगर प्रभारी निरीक्षक ने कार्यवाही की होती तो हमारी फॉर्चुनर बरामद हो गई होती। आइए सुनते हैं पीड़ित की जुबानी। मेरा नाम ब्रजेश कुमार ओझा है जी सर। मैं एक अधिवक्ता हूँ हाईकोर्ट लखनऊ, और बीजेपी का एक छोटा पदाधिकारी एक प्रकोष्ठ है प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान, जिसका प्रदेश सचिव हूँ। हमारी प्लानिंग थी दिल्ली जाने की। 6 तारीख को दिल्ली हम यहाँ से निकले हुए थे, और दिल्ली लॉकडाउन की वजह से कि उसी दिन नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ, जिसमें हम 4 लोग गाड़ी में थे। डिस्कशन हुआ कि दिल्ली में एंट्री करना मुश्किल हो जाएगा, हम लोग थोड़ा लेट हो चुके थे, तो गाजियाबाद बॉर्डर पे ही हम लोग रुक लेते हैं। लगभग 9 बजने का टाइम हो चुका था। एक नज़दीकी होटल था वहीं पे, पार्थ पैराडाइज करके, सूर्या नगर में B18 पार्थ पैराडाइज, वहीं पे हम लोगों ने रुकने की प्लानिंग कर ली और रात स्टे करने की प्लानिंग की, जिसकी वजह से होटल पे गए, और होटल पे ही होटल वालों के कहने पर गाड़ी फॉर्चूनर को खड़ी कर दी गई, और वो उनके कर्मचारी आए, जिस तरीके से जहां बताए उसी स्थान पे गाड़ी को लगा दिया गया। गाड़ी का नंबर है UP 32 JV 7680, और गाड़ी सुबह जब देखा गया 7 बजे तो गाड़ी वहां से गायब थी, गाड़ी चोरी हो चुकी थी। ये सूचना हमको मिली, नीचे आके हमने सीसी कैमरे के फोटोज उसके कैमरे को बैक करा के देखने की कोशिश किया गया, तो पता चला कि 6:30 बजे आधे घंटे पहले ही गाड़ी अभी जस्ट यहां से गायब हुई है। एक ब्रीजा गाड़ी आई है, ब्रीजा गाड़ी में कुछ लोग बैठे हुए थे, उन लोगों ने गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी को लगाया है, और उसमें उनके पास जो भी हाईटेक टेक्नोलॉजी रही हो, जिसकी वजह से कंफर्म नहीं हो पाया कैसे उन्होंने क्या प्लानिंग किया, और मैक्सिमम 5 से 7 मिनट के अंदर गाड़ी को लेके वो लोग गायब हो गए, गाड़ी चोरी हो गई, जिसकी तुरंत सूचना 112 नंबर पर दिया गया। पुलिस आई, पुलिस ने कहा नजदीकी चौकी को इन्फॉर्म करिए। उसी समय अगर पुलिस चाहती तो रास्ते को नाकाबंदी कर सकती थी, सील कर सकती थी, लेकिन पुलिस प्रशासन का एक सिस्टम है कि पहले FIR कराइए, पहले एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद वो काम स्टार्ट करते हैं, जिसमें उन्होंने 1 घंटे का समय डिले कर दिया। फिर हमने नजदीकी चौकी पर चेक पोस्ट के चौकी प्रभारी बॉबी कुमार को सूचित किया, एप्लीकेशन बना के दिया गया,